पंजाब टुडे साडे सारे दर्शकों का जी आया, मैं हां नवनीत सिंह वधवा। गल करांगे पंजाब टुडे च अज दलित विद्यार्थियों के वजीफे नूं लैके। दलित विद्यार्थियों के वजीफे नूं लैके सियासत होंदी आई है, पर हुण जदों लोक सभा चोणां नेड़े आ गईआं ने तां एक बार फिर तो सियासत सरगरम होई है। वजीफे पर छिड़ी फिर सियासत, राजनीतिक फेर में बच्चों की आफत। दलित छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप का मसला पहले भी पंजाब में सियासत का केंद्र रहा है, और एक बार फिर लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही इस मसले पर सियासत सरगर्म हो गई है। इस मसले पर कई बार केंद्र और पंजाब सरकार आमने सामने नजर आते रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल ने एक बार फिर इस मसले पर पंजाब सरकार को घेरा और कहा कि पंजाब में बच्चों को स्कॉलरशिप की राशि नहीं मिल रही, जिस वजह से बच्चों को नुकसान हो रहा है, और इसके लिए कोई और नहीं बल्कि पंजाब की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। वो साल सरकार नूं इस गल ची समझाउण च लग गए कि जिन्ना चिर बच्चा पढ़िया है उहदे पैसे जिहड़े है उह कोई सरकारी कॉलेज है जां निजी कॉलेज है किसे नूं उह देने पैणे है। सरकार ने ऑडिट जिहड़ा सी उह इस ढंग नाल शुरू करता कि जे किसी ने कोर्स पूरा नहीं किया गया तो जे पिछले 9-10 सालों च भी पैसे लए आ तो वह वापस करना, जिथों सारा समझ लो ये लम्मा पैंदा गया, लम्मा पैंदा गया, 4-5-6 बारी ऑडिट होया तां उह ऑडिट करदे 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 2 साल टपाते ते हुण जदों पिक्चर क्लीयर होई है ते हुण सेंटर नूं लिख के गया ते सेंटर ने 250 करोड़ रुपया जिहड़ा सीगा उह जारी कर चुकी है। 250 करोड़ आए नूं लगभग महीना हो गया, बाकी पैसे भी जिहड़े हैगे आ जदों इह यूसी भेजणगे सेंटर फिर भी भेजण नूं तैयार बैठा सी। पर मैं एक गल कहूँगा कि सरकार जिहड़ी है ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ, ਔਰ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਵਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਏ, ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਵਜ਼ੀਫੇ ਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਪਰ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਤੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕਹਾ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਜੋ ਪੈਸਾ ਆ ਰਹਾ ਹੈ हम वो बच्चों को दे रहे हैं, जो रुका हुआ है वो अकाली दल की सरकार के समय का है। अकाली दल वाले 10 साल से जो इन्होंने किया लोग जानते हैं, इन्हों पुछो सुखबीर सिंह बादल नूं 14-15 च तुसीं सी इत्थे पैसा नहीं दिता, स्कॉलरशिप का 15-16 च तुसीं सी इत्थे पैसा नहीं दिता, 16-17 च तुसीं सी इत्थे, 17-18 च तुसीं सी इत्थे, ये जिन्हें 16-17 तक दे इन्हों का बकाया सी असीं दे रहे, और हुण भी जिहड़ी पेंडिंग साडे कोल 284 करोड़ रुपया आया है पहलियां तरीकां असीं दे देना, जदों पैसा एक हफ्ता पहलां जे पैसे आए ने। इस सब के बीच में आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा प्रहार कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इतना समय ऑडिट के नाम पर निकाला जा रहा है, जबकि इतना समय लगना ही सवाल है कि तारीख पर तारीख क्यों दी जा रही है, जिसमें अब सीधा नुकसान बच्चों का हो रहा है। बीजेपी कल सरकार सी उस समय कांग्रेस पार्टी लगातार अकाली दल से बार करते कहते 1200 करोड़ रुपए का SC ST स्कॉलरशिप घपला गया, भी SC ST स्कॉलरशिप बादलों ने डाइवर्ट करके कितने होर लाती, असी ऑडिट करावे। जदों कांग्रेस पार्टी सरकार आ गई पंजाब हुण ऑडिट के नाते 2 साल कटते, अजे तक पंजाब सरकार तो SC ST का जो स्कॉलरशिप आया होया गा 2017 तो पहला ऑडिट नहीं होया, हाले तक ऑडिट के नाते तरीक से तरीक दी जाती है। मैं समझता एक बहुत बड़ा घपला होर कांग्रेस पार्टी करन जा रही है, और इस दे नाल पंजाब दे दलित विद्यार्थियों का भविष्य धुंधला हो गया, और पंजाब दे दलित विद्यार्थी जिहड़े लगभग 1 लाख के करीब इस बार एडमिशन नहीं लै सके, इहदा खामियाजा जिहड़ा हैगा लोग 2019 दे चोणां च कांग्रेस दे खिलाफ वोट पा के लड़ा गए। दलित बच्चों के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप पर राजनीति एक बार फिर शिखर पर है, और ऐसे में सियासत तो चमक ही रही है। अगर नहीं चमक रहा तो उन बच्चों का भविष्य जो कि राजनीति का शिकार हो रहे हैं। चंडीगढ़ से सुमित जोशी की रिपोर्ट, जनता टीवी। सो वजीफे नाते सियासत चमक रही है, पर जे नहीं चमक रहा तो वह बच्चों का भविख, जिस पैसे दे नाल उस भविख नूं चमकना चाहिए सीगा। खैर कुछ सवाल ने, उन्होंने सवालों पर एक बार नज़र पा के इस मसले पर अज असीं चर्चा करांगे। सवाल जिहड़े ने वो एक बार वेख लैने कि आखिरकार अज दे सवाल की ने, आखिरकार दलित विद्यार्थियों नूं वजीफा मिल क्यों नहीं रहा। सब तो वड्डा ते अहम सवाल जनता टीवी का, वजीफे दे अटकण दे पिछे दी असल वजह आखिरकार की कुछ है, क्यों अटक रहा है, क्यों एक दूजे ते बीजेपी ते कांग्रेस या कहिए कि अकाली दल ते कांग्रेस ठीकरा फोड़ रहे ने। ते अखीरला सवाल, स्कॉलरशिप दी आड़ च आखिरकार केड़ी सियासत पंजाब दे विच खेड़ी जा रही है।
सो यह कुछ सवाल ने जिन्हां ते अज असीं चर्चा करांगे। जिहड़े खास मेहमान साडे नाल चर्चा च जुड़े हुए ने उन्हां दा वी मैं तारुफ करवा दिंदा। तो वड्डा सवाल है, सीधा रुख करांगे जलंधर दा। कुछ खास मेहमान साडे नाल जुड़नगे, उन्हां दा तारुफ मैं करवावांगा, लेकिन सवाल एक बार फिर तो नज़र पा लैंदे आ कि आखिरकार किहड़े सवाल ने जिहड़े कि अज चर्चा दा विशा रहणगे। चूंकि मसला दलित विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप का, जो कि अजे तक 2 साल पंजाब सरकार 2 साल कैप्टन सरकार हो गए हैं, पर अजे तक वो वजीफे जड़े ने वो दिते नहीं गए, जिस करके जिहड़े दलित विद्यार्थी ने उन्होंने हुण स्कूलों बाहर कढ़िया जा रहा है, कॉलेजों तो बाहर कढ़िया जा रहा है, कुछ लोग दोबारा एडमिशन नहीं ले पा रहे, चूँकि मसला ऑडिट के नाते अटकया है। सवाल वड्डा है कि वजीफे के अटकण के पिछे की असल वजह आखिरकार की कुछ है। उस तो भी वड्डा तो अहम सवाल है कि क्यों एक दूजे पर बीजेपी और कांग्रेस ठीकरा फोड़ रहे हैं, चूंकि यह भी एक वड्डा सवाल है कि आखिरकार क्यों सियासत हो रही है। स्कॉलरशिप की आड़ आखिरकार कौन सियासत जिहड़ी पंजाब दे विच पिछले 2 सालों तो चल रही है। सीधा मैं जलंधर दा रुकांगा, साडे नाल राजेश बागा जी जुड़ चुके हैं, जिहड़े कि इस वेले बीजेपी के मीत प्रधान ने पंजाब दे, पर जदों यह मसला सामने आया सी उस वेले एससी कमीशन दीआं सेवावां निभा रहे सीगे। राजेश बागा जी, जी आया थोड़ा जनता टीवी दे विच। मैं सब तो पहला एक चीज़ थोड़े तो समझनी चाहवांगा, सरकार जो भी इस वेले कह रही है ऑडिट करा रहे हैं, जदों तक ऑडिट की रिपोर्ट नहीं आएगी उदों तक असी क्लीयर नहीं करांगे। उतों जदों केंद्रीय मंत्री विजय सापना नाल गल की जाती है तो वह कहते हैं कि पैसा जा चुका है, पर पंजाब सरकार उस पैसे को कितने होर जगह वरत चुकी है। असल वजह है कि कुछ, क्योंकि तुम आप कमीशन च रहे हो, तुम वो सेवावान सामने रहे हो, सियासत हो रही है या उस पैसे को लैके कुछ होर ही हो रहा है? असल जिहड़ा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम आ, इह इक इहो जिहा चलो राजेश जी कुछ तकनीकी कारण करके थोड़े को मैं दोबारा वापस आवांगा। संदीप गोरशी जी साडे नाल इस वेले जिहड़े ने कांग्रेस पार्टी तो जुड़ चुके हैं, पवन कुमार टीनू MLA हैगे अकाली दल दे, वी इस वेले फोनलाइन ते साडे नाल जुड़ चुके हैं। मैं पहला पवन कुमार टीनू थोड़े को आवांगा, तुसी भी लगातार लंबे समय तो सड़कों ते उतर के प्रदर्शन कर रहे हो, जिहड़े दलित विद्यार्थी ने उन्हां दे हकां दी गल कर रहे हो, जबकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उन्हां हकां ते डाका थोड़ी सरकार वेले पाया गया। पता पंजाब दे लोकां नूं पता बई कि 1 लख बच्चा कांग्रेस की सरकार दे दौरान पंजाब च एडमिशन नहीं लै सकिया, क्योंकि उन्हां दा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का पैसा जिहड़ा केंद्र सरकार ने भेजा वो पंजाब सरकार ने डाइवर्ट कर दिता, किसी होर पासे खर्च लिया। ठीक है, ते वो यही नहीं, जिहड़े हुण भी 2 साल च सरकार केंद्र ने पैसे भेजे है, हुण 1 महीना पहला पैसे आए आ, वह भी हले पैसे जिहड़े आ वह नहीं दिते गए। सब तो वड्डा नुकसान कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने पंजाब च 34% जिहड़ा हिस्सा आ SC दा, उन्हां दे परिवारां दा, उन्हां दे बच्चियां दा कीता, उन्हां दे भविख दा कतल कीता कांग्रेस सरकार ने। पर वह कह रहे हैं कि तुहाडी सरकार, एक मिनट पवन कुमार टीनू जी, साधु सिंह धर्मसोत कह रहे हैं कि तुहाडी सरकार वेले दा 14-15 दा, 15-16 दा, 16-17 दा वो असी ऑडिट करा रहे हैं, चूंकि तुम कुछ गड़बड़ की हो, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ऑडिट तो बाद ही जो कुछ होएगा असी करांगे। देखो साधु सिंह धर्मसोत के बारे च सारे नूं हुण तां मीडिया नूं भी पता लग गया, उन्हां नूं समझ नहीं है अपना महकमा चलाउण दी, ते साधु सिंह धर्मसोत नूं समझ नहीं, साधु सिंह धर्मसोत नूं फिकर नहीं गरीबां दे बच्चियां दा, ते वो झूठ बोलते रहिंदे आ। मैं पंजाब दी विधानसभा च उन्हां नूं चुनौती दित्ती सी फ्लोर दे उत्ते कि जिहड़ी गल तुसीं मीडिया च कह रहे हो कि श्रोमणी अकाली दल दी BJP दी सरकार च तुसीं पैसे नहीं दिते उन्हूं साबित कर दिओ, फिर मैं इस्तीफा दे देंगा, जे तुसीं साबित नहीं कर सके फिर तुहानूं मंत्री जी इस्तीफा देना पएगा। ते साधु सिंह धर्मसोत ने मूँह थले कर लिया सी, उत्थे सारे मीडिया नूं, पंजाब दे मीडिया नूं पता लग गया सी कि साधु सिंह धर्मसोत आए दिन पोस्ट मैट्रिक जवाब कांग्रेस पार्टी तो ले लेना। गौरसी साहब साडे नाल हैगे, गौरसी साहब की गल, मंत्री साहब नूं पता नहीं कि महकमा चलदा किवें, जिवें कि टीनू साहब कह रहे हैं कि बार बार वो कहिंदे ने पैसा आ नहीं रहा, असीं ऑडिट करा रहे हैं, हुणे जदों साडे पत्रकार गलबात कर रहे सी तां गल्लां गल्लां चों इह वी कह गए कि 2017-18 तां वी अकाली सरकार दे वेले दा पेंडिंग पिआ।
देखो जी पहली गल तो यह है कि मैं ये गल कहना चाहना हैलो हाँ जी गौरसी साहब सुन पा रहे हैं अपनी हैलो सर मैनू तो आवाज नहीं मैं मैनू अपनी आवाज दोबारा सुन रही है मैं पता नहीं चल तुसी अपनी गल रखो जी जी मैं ये गल कहना चाहना वा कि सर इदा है कि पहला तो 2014 तो बाद इन्हों की सरकार 3 साल रही है इन्होंने दलितों का 1200 करोड़ रुपया केंद्र तो लैके खादा वो इन्होंने किसी खाते च नहीं पाया हूँ दो या दो चार दिन पहला 280 करोड़ रुपया जो कोई आया वा तो पंजाब सरकार ने मना नहीं किया कि असी किसी नूं नहीं देना देखो गल इन्होंने 1200 करोड़ रुपया जो दलितों का आया सीगा स्टूडेंट्स वास्ते आया सीगा वजीफियां वास्ते आया सीगा केंद्र सरकार तो लैके इन्होंने खा के ते किसे होर डिपार्टमेंटा च शिफ्ट कीता गौरसी साहब मैनूं इह नहीं समझ लगदी गौरसी साहब 900 चूहे खा के मैं इह चीज़ समझ नहीं चाह रहा संदीप गौरसी जी एक मिनट मैं थोड़ी गल ते आ रहा इन्ने मजबूत दावेदारी तुसी किवें कह सकदे हो कि इह खा गए इन्नी मजबूत दावेदारी तुसी किवें कर सकदे हो कि किसे होर पासे वरत लिया जबकि वह कह रहे हैं कि जिहड़ा हुण पैसा आ रहा है किसी होर पासे वरत रहे हो तां करके तुसी जवाब नहीं दे पा रहे मैं सर सर मैनूं गल दसो 4 दिन पैसे आए चलो मैं आना थोड़े कोल फिर तो राजेश बागा जी भी साढ़े नाल दोबारा जुड़ गए ने राजेश जी तुसी ते आप सारियां चीज़ां वेखियां ने तुसी उस सिस्टम का भी हिस्सा रहे हो मेरे ख्याल नाल अज तो 3 साल पहला कई बार साड़ी गलबात भी इस मसले नूं लैके हुई सी जदों भी वर्दियां नहीं मिलदियां सी या जुत्ते नहीं मिलते सी दलित विद्यार्थियों तो कई बार गल हुंदी सी इस मसले दे विच दरअसल हकीकत है कि थोड़ा जिहा समझाने की कोशिश करो बिल्कुल ये गल मैं सहमत हाँ भी ये हर बार दिक्कत आँगी कली पोस्टमैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम भी नहीं है इस वक्त भी देख लो चाहे किताबा या स्कूल च बच्चों के नवे सैशन शुरू हो गए किताबा नहीं वर्दियां वो टाइम पर नहीं मिलती बहुत वही समस्या असं यह भी किया सरकार उदो मेरे टाइम भी जो मैं कमीशन का चेयरमैन से असं उन्होंने कहा भी ऑडिट होना हर साल चाहिए जरूरी भी है परंतु अजक सारा कुछ ऑनलाइन हो गया आधार लिंक कर दिता गया जो मैं चेयरमैन उदो शिकायत मिली कुछ कॉलेज गड़बड़ करते हैं उदो अभी वेलफेयर डिपार्टमेंट को कह के खुद असि इन ऑडिट करा के आधार लिंक कराया ताकि आधार के सारा कुछ पता लगे वो एक बच्चा दो जगह नहीं दाखिल होया जो कोई बच्चा है भी है या नहीं सारा कुछ क्लीयर हो जाता पर सरकार आम तौर पर यह पैसा कितने होर वरत के पैसा तो नहीं होंगे खजाने पर किसी ना किसी लटका नुकसान जो जो विद्यार्थी का होंगे ये बहुत माड़ी गल परसनली नुकसान जो शड्यूल कास्ट गरीब परिवार का उन्होंने होंगे भी जो बच्चे स्कूलों च वैसे तो फीस ही नहीं होना पर पिछले 2 साल की मैं गल करा लगातार यह गल मैं आप पिछले 2 साल तो यह सुन रहा कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत होरा तो कि बस हुणे 31 तरीक तक 30 तरीक तक ऑडिट रिपोर्ट आएगी फिर रिलीज कर देंगे असी पहले हिसाब मंगांगे कि पिछले का की कुछ है तो अगला पैसा देना पर इस पूरी सियासत चमकाउण दे विच राजेश जी ओही इस पूरी सियासत नूं चमकाउण दे लई ओ ते नहीं हो रहा ना जो चमकाना चाहिदा सी बच्चों का भविख तो नहीं चमक रहा बच्चे परेशान हो रहे ने किसी का एडमिशन कैंसिल हो रहा कोई एग्जाम नहीं दे पा रहा कोई अगे एडमिशन नहीं ले पा रहा बिल्कुल ਅਸੀਂ ਆਡਿਟ ਆਡਿਟ ਦੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਧਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਆ ਸਰ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਹੈੱਡ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰੰਤੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦੇਣੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਹੈੱਡ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ
पिछे जे तुहानू पता होना बई महाराष्ट्र सरकार ने एक एससी एसटी सब प्लैनर एक्ट बनाया। असी जाके गवर्नर साहब पंजाब नू मिले सी बई पंजाब च भी एससी सब प्लैन एक्ट बने, सब प्लैन बनया एक्ट है नहीं, जो एक्ट बन गया तो फिर तो मजबूरी हो जानी ना, फिर तो कानून की पालना करनी पैनी है, कमीशन या बाकी चीज़ों तो अलावा एक्ट तो फिर वो बाउंड हो जाएगा। खैर थोड़ी गल अगे तोड़दा मैं, कौरसी साहब हुण जवाब दिओ, हुण तो चूंकि राजेश जी तो आप जिम्मेवारियां निभांदे रहे ने, वो तो आप कह रहे हैं कि हुंदा आया किसी होर थावे पैसा वर्त लिया जाता है। राजेश जी मैं आ रहा, राजेश जी आ रहा, कौरसी साहब जवाब दिओ, कौरसी साहब जवाब दिओ। संदीप गौरसी जी जवाब दियो। लगता है साड़ी आवाज़ गौरसी साहब तक नहीं पहुंच पा रही। पवन कुमार टीनू जी लगातार साढ़े नाल ने, जिहड़े कि अकाली दल दे एमएलए भी हैगे। टीनू साहब मैं एक चीज़ साडे तों समझ नहीं चाह रहा, तुसीं हुणे जिक्र किया कि असैम्बली तुसीं गल रखी, कैबिनेट मंत्री जवाब नहीं दे सके, पर उहदे पिछे दी वजह की कुछ मन्नी जाए, जिवें राजेश जी भी जिक्र कर रहे हैं कि किते होर पासे वरत लिया जाता है। धर्मसोत जी कहिंदे तुहाडी सरकार वेले भी दूजे पासे वरतिया गया, पिछले दिन ही मैं वेख्या हुण तो लगभग 1.5-2 महीने पहला कैबिनेट मंत्री धर्मसोत होरी दिल्ली आए, उत्थे एक मीटिंग हुई मंत्रालय दे विच, और उन्होंने बड़े दिलेरी नाल कहा कि नहीं पैसा रिलीज़ हो गया, हुण सानू सैटिस्फैक्शन है। सैटिस्फैक्शन दिल्ली हो जाता, चंडीगढ़ जाके सैटिस्फैक्शन कित्थे चला जाता? देखो अपने मैं करा जी गल, बिल्कुल जदों ये श्रोमणी अकाली दल की सरकार सी पंजाब च, तुसी अगर नज़र मारो सारे सालां दे उत्ते 2009 तो लैके 2016 तक मैक्सिमम बच्चे जेडे शेड्यूल कास्ट एससी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप विच इनरोलमेंट हुए। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट आ MHRD दी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट दी, के 9 तो लैके 2016 तक मैक्सिमम बच्चे जेडे आ उन्होंने आके एडमिशन ली और उन्होंने गिनती 4,70,75,000 हुई। और अज जदों हुण 2 साल तो कांग्रेस की सरकार आ, वो गिनती घट के 3,20,30,000 हो रह गई है। 1 लाख तो वध बच्चा जिहड़ा आ, 1.5 लाख के करीब बच्चा इस वेले कॉलेजेस तो बाहर आ गया है। उहदा कारण यह है भी जिहड़ा पैसा केंद्र भेजदा, मैं हुण दसदा, इत्थे बैठे सी मिस्टर संदीप जी कांग्रेस के जिहड़े स्पीकर बैठे ने, मैं इन्हां नूं पुछना चाहना, जे कहणगे तो मैं इन्हां नूं वट्सएप ते रिपोर्टां भेज दूंगा। 115 करोड़ रुपया केंद्र ने 16 महीने पहला भेजा, बिल्कुल 329 करोड़ रुपया केंद्र ने 9 महीने पहला भेजा। अच्छा, एदे विच 68 करोड़ रुपया पर ईयर इन्हां ने स्टेट शेयर पाउणा हुंदा, ओह भी नहीं पाया। अच्छा, फिर 200, कई बार तुसीं सोचा होना भी 2016-17 च असी साडी सरकार 282 करोड़ रुपया जारी करके गई है। ये मैं भी कह रहा, ये सरकार दे मिनिस्टर साधु सिंह धर्मसोत मेरे एक पंजाब विधानसभा दे सवाल विच कह रहे हैं कि 2016-17 च सरकार ने 282 करोड़ रुपया जारी किया, उदो सरकार साड़ी सी। मतलब सिर्फ जिहड़ी सरकार कांग्रेस की बाहर झूठ बोलती है प्रेस जाके नंबर बनाउण लई, लेकिन उन्होंने अच्छा मैं टीनू साहब की है मन्या जाए कि अपना शेयर भी पाना इस करके बच रहे ने या वाकई पैसा कितने होर थावी वरतना? नहीं, अपना शेयर तो पाना बहुत दूर की गल है, जिहड़ा केंद्र दा ये गरीबां दे बच्चियां दा पैसा आ, ये खर्च रहे होर पासे, इहदे वास्ते कल्ला धर्मसोत जिम्मेवार नहीं है, इहदे वास्ते पिछे जिहड़ा मेन कल्प्रिट आ ओह मनप्रीत सिंह बादल आ ते पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, गौरसी साहब जवाब दिओ, ठीक है मैं आ रहा, गौरसी साहब जवाब दिओ। सर ये बिल्कुल सरासर गलत एलिगेशन लगा रहे हैं। देखो मैं ये गल कहना, इस वे इलेक्शन दा एक मुद्दा है, मैं ये गल कहना इस वे इलेक्शन दा एक मुद्दा इन्होंने जानबूझ के बनाना है, और मेनू लगता भी सॉफ्ट टारगेट होगा, इन्होंने अपने कोलों ही आंकड़े बना ले हैं, ना तुसी देखे ना मैं देखे ना जनता ने देखे, जो मीडिया च कहता कहता बाद दे विच किने वेरीफाई करना है। मैं गल कहना कि 1200 ये तो तुहाडी आदत है, तो साधु सिंह दी आदत है मीडिया कहन दी। गल है कि 4 सालां दे विच 1200 करोड़ रुपया केंद्र सरकार तो लैके एससी एसटी स्टूडेंट्स दे नाम ते खा गए हैं, ओहदा इन्हां ने कोई हिसाब नहीं देना। जिहड़ा हुणे 4 दिन पहला पैसे आए ओहदा हिसाब मंग रहे हैं, और मैं पक्का यकीन दगाना
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਦਾ ਉਹ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੱਕ ਉਹਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਅੱਛਾ ਗੌਰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ 284 ਕਰੋੜ ਹਾਲੀ ਛਾਇਆ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਠੀਕ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵਰਦੀ ਮਿਲੀ ਕੀ ਜੁੱਤੇ ਮਿਲੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਗੌਰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਮੰਨ ਰਹੇ ਗੌਰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੂਕ ਹੋਈ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨੀ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਮੈਂ ਔਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਅਖੀਰਲਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਗਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੌਰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਗਜ਼ਲ ਪਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਲਈ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਇਕੱਲੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੌਰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਕਿ ਬਈ ਪੈਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਬਿਹਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਧਰਮਸੋਤ ਬਿਹਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂਜੀ ਟੀਨੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰੂਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਗੌਰਸੀ ਜੀ ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਾਕਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਚਰਚਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਬਰਕਰਾਰ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਚਮਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚਮਕੇ ਜਨਾ ਚਮਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ